नमस्कार, आज हम आरके पब्लिशिंग हाउस की तरफ से हमारे जाने माने लेखक अक्षत कुमार की नई बुक ब्लड मिस्ट्री का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, जिसका मतलब है खून का रहस्य। वैसे ये किताब आज से ही मार्केट में अवेलेबल है। और एक बात और, अगर आप में से किसी को हमारे लेखक अक्षत जी से कोई सवाल करने हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मिस्टर अक्षत, क्या आपके इस किताब में कुछ वैसे ही लिखा है जैसा कि आपने अपने पहले किताब में लिखा था? ये जानने के लिए आपको किताब एक बार पढ़नी पड़ेगी। और वैसे भी जाहिर सी बात है, जब नई किताब है तो इसमें काफी कुछ नया भी होगा। अब इनको अगर कुछ अच्छा ना लगे तो एक दिन में ये मुझे यहां से बाहर निकाल देंगे। एक मिनट, ये खून का रहस्य है, इसका क्या मतलब है? देखिए, इस कहानी में तीन खून होते हैं और हर खून के बाद रहस्य और भी बढ़ता चला जाता है। ये नोवेल भी सत्य घटना पर आधारित है। अब ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है भी और नहीं भी। मेरा ये मानना, सर, आपकी किताब के मुताबिक शहर में तीन खून हो चुके हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ मिस्टर अक्षत, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, देखिए, शहर में अलग अलग जगहों पे तीन खून हो गए हैं। मैंने अभी अभी न्यूज में देखा और वो खून बिल्कुल उस तरह से हुए हैं जैसे अक्षत सर की किताब में लिखा हुआ है। सर, ये बिल्कुल सच है। चलो, टीवी में देख लेते हैं, पता चल जाएगा। चलो। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। आज तीन खून होने की वजह से शहर में खौफ का माहौल पाया गया है। तीनों खून अलग अलग तरीकों से किए गए हैं और वो तरीके ऐसे हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। बिजली के तार। ओह माय गॉड, सर, खून करने का तरीका एकदम अलग है। आप देखो, बिजली के नंगे तारों से बांधा गया ऐसे। बस इसकी मौत लगता है बिजली के शॉक की वजह से ही होती है। अरे, फिर कभी भी आना, स्विच ऑफ करो और बिजली के तार निकालो। कितनी तड़पी होगी बेचारी, तरह से भी तरस नहीं आया खोने को। हाँ काजल, देखो, ये तो अपनी मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पाई होगी बेचारी। बेचारी के मुंह में कितना ठूसा हुआ है। और सर, ये सिमरनी है ना जो यहाँ पे रहती थी? जी सर, सिमरनी है। बड़ा हादसा हो गया यहाँ पे और आपको पता भी नहीं चला? सर, मैं तो कॉल सेंटर में काम करती हूँ और मेरी अक्सर नाइट ड्यूटी रहती है, इसलिए पता ही नहीं चला कि कब कौन आया कौन गया। अच्छा, आपको तो पता होना चाहिए था, आप तो वॉचमैन हैं यहाँ के। साहब, मैं खुद परेशान हूँ, मेरे होते हुए ऐसा कैसे होगा। कल रात कौन कौन मिलने आया था इनसे, उन सबकी एंट्री होगी ना आपके पास रजिस्टर में? एंट्री तो सबकी है, मगर इलेक्ट्रिशियन को छोड़कर और कोई भी सिमरन मैडम से मिलने नहीं आया था। सर, ये देखिए सर, किसी नॉवल के पेपर्स लग रहे हैं।
हाँ काजल, नॉवल के पेपर तो है, लिखा क्या है? वो इस पेपर में तो किसी को इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे मारा जाए इसके बारे में लिखा हुआ है। एक काम करो, इसे लेके चलो, काम आएगा। जी सर। हाँ वो मैग्नेटाइज लाके। यस सर। उसकी एंट्री है रजिस्टर में? नहीं साहब, सिमरन मैडम उसे जानती थी, उन्होंने खुद ही बुलाया था उसे। अच्छा, सिमरन के घर में उसके साथ और कोई रहता था, उसका कोई रिश्तेदार वगैरह? नहीं मैडम, हमने किसी को नहीं देखा और ना ही सिमरन को कभी किसी के बारे में जिक्र करते सुना। विवेक, सब अभी तो ये लग रहा है कि इसकी मौत इलेक्ट्रिक शॉक से हुई, बाकी की बातें तो लैब में टेस्ट करके पता लगेंगे। तो मैं काम करूँ, लाश को फॉरेंसिक लैब में। अच्छा। यस सर। संभालिए अपने आप को। अपने हाथों से मार दिया मैंने विद्युत को। काश मैंने दरवाजा नहीं खोला होता, कम से कम आज मेरे पति तो जिंदा होते। ये सब हुआ कैसे? मेरी आंखों के सामने विद्युत ने हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, कैसे हुआ ये? जैसे ही मेरे दरवाजा खोला वैसे अचानक से टूट गई और विद्युत उससे में लटके हुए थे, वो सीधे उस तलवार पे आगे गिरे। बेटी जरा रस्सी को टाइट पकड़ना। बॉडी का वेट जैसे हो। हाँ। काफी चालाक होनी है, लेकिन उसे ये सब करने का टाइम कैसे मिला होगा? बड़ी जो खूनी है वो घर के बारे में अच्छी तरीके से जानता है, उसे सब कुछ मालूम है कि दरवाजा कहाँ है, कैसे खुलता है, कितनी रस्सी चाहिए जो दरवाजे तक जाएगी, सब मालूम है उसे। च्युइंगम, च्युइंगम का रैपर है। एक बात बताइए, ये च्युइंगम कौन खाता है आपके यहाँ? मुझे कोई नहीं खाता सर। आप में से कोई भी नहीं? नहीं सर। फिर कहीं ये खूनी का तो? सर आप रेडी? ये पेपर देखिए सर। ब्लड मिस्ट्री,
किसी नॉवेल का नाम लगता है। ये तो इसी मर्डर की कहानी है। कैसे एक औरत दरवाजा खोलती है और उसका पति छत के ऊपर लटका है। दरवाजा खोलने से सीधा नीचे गिरता है और तलवार उसके आर पार हो जाती है। ये सब तो इसमें लिखा हुआ है, ये क्या चक्कर है? वॉश बेसिन के अंदर भी खून है सर। अच्छा, कहीं ये खून विद्युत का तो नहीं है? नहीं फ्रेडी, ये खून विद्युत का नहीं लगता है, क्योंकि विद्युत ने अपनी वाइफ के सामने दम तोड़ा है। ये लगता है उस आदमी का है जिसने विद्युत की जान ली है। उनका नमूना ले लो और विद्युत की लाश दोनों फोरेंसिक लैब भिजवा, और ये च्युइंगम का रैपर है इसको भी भिजवा, ये बहुत काम का है। आप लोगों में से कोई कुछ बता सकता है इस एक्सीडेंट के बारे में? हाँ सर, सर मैंने देखा है सर, इस कार में सर जो आदमी बैठा हुआ था सर, वो मदद के लिए चिल्ला रहा था बेचारा। कार रुकी नहीं? नहीं सर, रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन कार उससे रुकी ही नहीं। कार तो मेरे ऊपर चढ़ने वाली थी, लगता है जैसे ही उसने ब्रेक मारी ना सर, धमाका हो गया। सर डैशबोर्ड पे कुछ पेपर्स पड़े हैं, ये देखिए। ये तो किसी नॉवेल के पेपर्स लगते हैं। ये ऊपर कुछ लिखा भी है, ब्लड मिस्ट्री, खून का रहस्य। इस पेपर को लेके चलते हैं। इस आदमी ने बताया कि जैसे इसने ब्रेक लगाया ब्लास्ट हो गया। देखो ब्रेक के साथ कोई छेड़खानी की गई क्या? देखिए सर, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस वायर को ब्रेक के साथ जोड़ा गया है सर। ब्रेक के साथ छेड़खानी जिस जगह पे की गई है वो जगह यहां से ज्यादा दूर नहीं होगी, क्योंकि बिना ब्रेक्स लगाए कोई ज्यादा दूर तक गाड़ी नहीं चला सकता। आरटीओ बोलिए। आरटीओ वाले ने बताया कि इस कार का मालिक अमरीक है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रहता है। अमरीक? सचिन ऐसा लगता है कि ये कार सीधे किसी सर्विस स्टेशन से आई है। ये देखो, जेडा सर्विस सेंटर, 11/3 कल की डेट है। चलो इस सर्विस स्टेशन चलते हैं, इस जेडा सर्विस सेंटर के मालिक से पूछताछ करते हैं। तीन तीन खून हुए, तीन तीन खून, और ये तीनों के तीनों लोग तुम्हारे आस पास के ही थे अक्षत, तुमसे जुड़े हुए। तो बताओ क्यों हुआ ऐसा? मैं सदमे में हूं सर, मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया। सिमरन जिसे बिजली का करंट देके मारा वो मेरी कजिन सिस्टर थी सर, बहुत प्यार करता था मैं उसको। और ये विद्युत जिसे रस्सी से लटका के मारा गया था, ये किताबों के स्टोर का मालिक था, है ना? जी सर। और सर जो कार ब्लास्ट में मारा गया वो अक्षत का सीए था, अमरीक। अच्छा जी, तो फिर क्या वजह होगी है? जो इन तीनों का खून हो गया, बताओ जल्दी बताओ। सर क्या मालूम क्या वजह रही होगी सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोल के बचा नहीं जा सकता है, समझे आप लोग? और मिस्टर अक्षत, आपको तो मालूम होना चाहिए, क्योंकि खून करने के जो तरीके आपने अपनी किताब में लिखे हैं, खून एकदम वैसे ही हुए हैं, समझे?
और जहां जहां पे खून हुए हैं हमें आपकी किताब के पन्ने भी वहीं मिले। मगर सर ऐसा कैसे हो सकता है, किताब तो अभी तक आई भी नहीं है और किसी ने पढ़ी भी नहीं है। किताब तो सर आज शाम को आनी है, ये किताब के पन्ने उस खूनी के पास। सर हम पब्लिशिंग हाउस से मैन्युस्क्रिप्ट लेके आए और ये नॉवेल लाए प्रेस से। जरा ये मैन्युस्क्रिप्ट में 67 नंबर निकाले। ये लड़की की मौत का चैप्टर सर, ये रहा देखा। सर अलग अलग है, ये देखिए सर, ये मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है कि किचन की मिक्सी से करंट लगने से मौत होगी, और बुक में लिखा है कॉपर वायर लपेटा जाएगा और बिजली के करंट से मौत होगी, और मौत बिल्कुल वैसे हुई है जैसे किताब में लिखा है। पब्लिशिंग हाउस में हेर फेर हुआ है, मतलब खूनी पब्लिशिंग हाउस में से ही कोई एक है। ऐसी किताबें लोग छाप ही कैसे सकते हैं जिनको पढ़ के लोग खून कर रहे हैं, जिनको पढ़ के लोग गुमराह हो रहे हैं। ऐसी किताबों पर तो रोक लग जानी चाहिए। हाँ तारिका, लेकिन लिखने वालों को भी सोचना चाहिए, वो क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है। ये बात तो है। तो तारिका, जो विद्युत के घर से जो ब्लड सैंपल मिला था ये कुछ अलग ही है। ऐसा क्या है इस खून में डॉक्टर साहब जो अलग है? हाँ अभिजीत देखो मैं बताता हूँ। ये देखो, ये तुम गोल गोल चक्कर तो देख रहे हो, ये ब्लड सेल्स है, नॉर्मल ब्लड सेल्स जो हमारे तुम्हारे जैसे लोगों के होते हैं, और ये उस खून का नमूना है जो तुम्हें विद्युत के घर के वॉश बेसिन में से मिला। ये विद्युत का नहीं बॉस, इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ ये कुछ गहरे रंग के हैं और ये हल्के रंग के। हाँ इसका मतलब समझते हो? बताइए। इसका मतलब ये है बॉस कि जिस किसी का भी ये खून है उस आदमी को बीमारी है, थैलेसीमिया की बीमारी। थैलेसीमिया? हाँ। जिसमें खून में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और जिसकी वजह से मरीज को हर 6 महीने में खून बदलवाना पड़ता है। सुनो, अरे यार जी तुम याद है मैंने तुमसे एक बार क्या कहा था? क्या? अरे यार तुम फॉरेंसिक लैब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते भाई? डॉक्टर साहब मैंने भी आपसे कहा था कि जो जहां है वहीं ठीक है। मगर सर इसमें कुछ सेल्स हल्के रंग के हैं और कुछ गाढ़े रंग के। बिल्कुल इसी से ही अंदाजा लगता है विवेक, जिस किसी के भी ये सेल्स हैं उस आदमी ने जल्दी ही अपना ब्लड बदलवाया। और एक बात, ये जो च्युइंगम का रैपर आप लोगों को मिला है वो खूनी का ही है। ये कैसे पता चला? क्योंकि जो वॉश बेसिन में खून मिला है उसका डीएनए और रैपर में मिले थूक का डीएनए एकदम मैच होता है। तो फिर हमें ऐसे आदमी को ढूंढना है जो च्युइंगम खाता है और जिसे थैलेसीमिया की बीमारी है। पैसा भेजो तो गाड़ी में भेजूंगा। हाँ हिम्मत है तभी तो बोल रहा हूँ ना। देखो पैसा भेजो तभी मैं गाड़ी भेजूंगा, ठीक है? हाँ भाई बोलो। देखो जो भी काम होगा पहले बोल देना, क्योंकि बाद में लंबा लंबा बिल आता है ना तो आप लोग बोलते हो कि ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा, फिर झगड़ा करते हो। हम लोग कोई झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी बाहर खड़ी। क्या काम था? गाड़ी के ब्रेक में हमें बॉम्ब लगवाना है। बॉम्ब? क्या बकवास कर रहे हैं, और कोई जगह मिली नहीं क्या आपको? जी नहीं। देखो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ ना, पुलिस को बुलाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सियाड़ी? अरे साहब 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 देखो आपको गलत फहमी है, हमारे यहाँ कोई ऐसा गलत काम नहीं होता है। शायद किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। हमें एक कार मिली है जली हुई, ब्लास्ट हुआ है उसमें, समझे? और उस गाड़ी के ब्रेक में बम लगाया गया था यहाँ पे। बम यहाँ से?
जी हाँ, यहाँ पे बम लगाया गया था क्योंकि गाड़ी की सर्विसिंग यहाँ पे हुई है। ये सीकर तुम्हारे यहाँ का है ना? हाँ, कार के मालिक का नाम अमरीक है। अब याद आया कुछ? हाँ साहब, अमरीक कल आया था और अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग करवाया था। ये अमरीक की गाड़ी की रिपेयरिंग करता कौन था? वो मीर, हमेशा वही उसकी रिपेयरिंग करता है। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हमने कब कहा कि तुमने कुछ किया है? हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि वो कार कहाँ पे खड़ी थी जब तुम उस पे काम कर रहे थे। आई सर, बताता हूँ। ये इस जगह पे। ये देखो, बम बनाने का सामान, जिलेटिन। ये तो कार रिपेयरिंग में काम नहीं आता ना, अमोनिया जिलेटिन डायनामाइट। डॉक्टर किधर है? किसने बोला था तुझे गाड़ी में बम लगाने को? सर, मुझे एक घंटे पहले फोन आया था कि अमरीक साहब की गाड़ी तू ही देखता है, जो मेरा एक काम कर दे। और तूने वो काम कर दिया? इसने कहा था बहुत सारे पैसे दूंगा। तूने इसका चेहरा देखा? नहीं सर, मैं बहुत घबराया हुआ था। कितने बजे फोन आया था? 5:30 बजे सर। चल हमारे साथ, चल। डॉक्टर साहब, सर प्लीज देखिए, ये थैलेसीमिया पेशेंट आप ही के हॉस्पिटल का पेशेंट है क्या? हेलो डॉक्टर ललित सर, कुछ सीआईडी ऑफिसर्स आए हैं। वो एक डीएनए रिपोर्ट लेके सर, अरे पता नहीं थैलेसीमिया के पेशेंट के बारे में पूछ रहे थे। हाँ सर, हमारे रिकॉर्ड्स में है उनका नाम। डॉक्टर प्रकाश। ओके सर, आपकी कैजुअलिटी वार्ड में सर जरूरत है। हमने तो आपसे पेशेंट के नाम के बारे में पूछा, आपने डॉक्टर साहब को ऐसे बता दिया जैसे हमने कोई बड़ा हंगामा ही खड़ा कर दिया। देखिए सर, आप ही ने बोला था ना कि डीएनए रिपोर्ट खूनी का है, तो उनको बताना ज़रूरी था। और वैसे भी डॉक्टर साहब ही आपको ठीक ठीक बता सकते हैं। और सर, बाकी डिटेल ये रहे सर। डॉक्टर वेणुगोपाल, ओटी में आपकी सर जरूरत है। मिसेस के रोहित, उम्र 30 साल है, रहती है वाइट विला जोन। तेरे दूसरे कोमल रोहित तो नहीं जो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिली थी? वही अभी थी जो अक्षत की किताब के पब्लिशर रोहित की भी। क्या हुआ था? अब तो किसी थैलेसीमिया के पेशेंट के बारे में पूछ रहे थे। यस डॉक्टर, आपने बताया ये जो के रोहित हैं, ये कोमल रोहित हैं क्या? जी हाँ, मिसेस कोमल रोहित। मेरा खून विद्युत के घर से, मेरा खून। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, बिल्कुल ठीक सुना है। पर ये कैसे हो सकता है? मेडिकल रिपोर्ट देखना। सर, मैं तो विद्युत के घर गई नहीं। आप अक्षत के घर गई थी ना पार्टी में, तो बीच में थोड़ी देर के लिए कहीं चली गई थी और फिर बाद में वापस भी आ गई थी। कहाँ गई थी आप? वो सर, मुझे एक अर्जेंट फोन आया था। अच्छा अच्छा, किसका फोन था आप, हम लोग जान सकते हैं? सर, किसी ने मुझे फोन करके कहा कि तुम्हारी फ्रेंड हॉस्पिटल में है, एक्सीडेंट हो गया उसका। फिर बाद में मुझे पता चला कि किसी ने मेरे साथ मजाक किया था। फोन वोन की बात कितनी सच है वो तो हम बाद में देख ही लेंगे, लेकिन एक चीज बताना चाहता हूं आपको। एक च्युइंगम का रैपर है, च्युइंगम का, जो हमें आपके खून के अलावा विद्युत की लाश के पास से मिला, और इस च्युइंगम के रैपर में आपका थूक है, आपका थूक। सर, पिछले एक हफ्ते से तो मैंने च्युइंगम को हाथ तक नहीं लगाया। क्यों नहीं खाया? आप तो रेगुलर खाते हैं च्युइंगम। हाँ सर, खाती हूँ, पर डॉक्टर ने मना किया है। वो क्या है कि मेरा एक दांत खराब हो गया है, जिसका मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, रूट कैनाल। ओह, रूट कैनाल। सर, हाँ सर, उस नंबर का पता चल गया है जिस नंबर से गैराज मैकेनिक को फोन किया गया था बॉम्ब लगाने के लिए। किसका नंबर है?
सर गगन नाम का एक लड़का है, बोरीवली के विला कॉलेज में पढ़ता है सर। कॉलेज स्टूडेंट है? हाँ सर, ये कोई 17-18 साल का लड़का है सर। अच्छा, अभी कहाँ है वो? घर से पता किया उसके, उनका कहना है कि वो अभी भी कॉलेज में है सर। अभी भी कॉलेज में है? तो सचिन काम करो, उसके कॉलेज में जाओ और उसके बारे में अच्छी तरह से पूछताछ करो, और हम दोबारा उस हॉस्पिटल में जाते हैं, ये खून वहीं से बाहर गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऑफिसर कि इतना अच्छा लड़का गलत कामों में कैसे पड़ गया। सर वो रहा, सुनो गगन तुम ही हो ना? जी, लेकिन आप लोग? CID 10876-5432 तुम्हारे नंबर है ना? जी मेरे। ये मिहिर और अंबिक को तो जानते हो ना तुम? क्या हो गया तुम? ये तुम दोनों चौक क्यों गए? सर मिस्टर अंबिक गगन के डैडी हैं। तुमने मिहिर को फोन किया था ना अपने डैडी की कार में बॉम्ब लगाने के लिए? कौन मिहिर? मैं किसी मिहिर को नहीं जानता। और जेड़ा गैराज का मैकेनिक, अब कुछ याद आया? गगन तुम्हारे डैडी अमरीक की मौत हो चुकी है, उनके कार में ब्लास्ट हुआ है समझे? मौत हो गई तो हो जाने दो सर, उन्होंने हमेशा मुझे दुखी रखा, मुझे कभी खुशी नहीं दी, हमेशा मुझे अपनी माँ से दूर रखा। लेकिन वो ऐसा क्यों करते? क्योंकि मैं उनका सौतेला बेटा था, मुझे कभी खुश नहीं रखते थे, मुझे राइटिंग का शौक था। मैंने उनसे कई बार कहा अक्षत अंकल से कहकर मुझे चांस दिलवाए, फौरन मना कर दिया। लेकिन कहते ना जिसका कोई नहीं होता भगवान होता है, उसका चांस मिल गया मुझे। किसने दिया तुम्हें चांस? किसी ने मुझे मैन्युस्क्रिप्ट दी थी और कहा कॉलेज में सबमिट कर दो, पास हो जाएगी। सर इस बारे में मैंने इसके डैडी से कल शिकायत की थी, शाम को 5 बजे के करीब आए थे। किसी दूसरे की लिखी हुई स्क्रिप्ट अपने नाम पे जमा करवाई? ये स्क्रिप्ट आपके पास है, ला सकते हैं? सुनो जरा वो ब्लू फोल्डर लेके आना अलमारी में से। तो जब तुम्हारे डैडी यहाँ से निकले तो तुमने फोन कर दिया मिहिर को है ना? मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं मालूम था, जिस आदमी ने मुझे वो स्क्रिप्ट दी थी उसी को पता था डाट कहाँ से आएंगे कहाँ जाएंगे, उसी ने कहा था फोन करने को। सर ये तो अक्षत की लिखी हुई है, तुम इसे अपना क्यों बता रहे थे? कौन था वो आदमी जिसने तुम्हें स्क्रिप्ट दी थी? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा सर, वो मुझसे मिलने है रात में पीछे से और कहा मुड़के मत देखना, उसने स्क्रिप्ट थमा दी और चला गया और कहा मैं फोन करूंगा। फोन किया उसने तुम्हें? हाँ सर किया था। क्या बोला? यही कि स्क्रिप्ट सबमिट कर दो, सबको पसंद आ जाएगी, बहुत खुश होंगे। और कुछ बता सकते हो उसके बारे में? हाँ सर, उसमें से फलों की खुशबू आ रही थी। देखिए सर मैं इस बात को मान ही नहीं सकता हूँ। मानो या ना मानो डॉक्टर ललित, मगर कोमल का खून यहीं से तुम्हारे हॉस्पिटल में से बाहर गया है, और ये कैसे गया सिर्फ तुम बता सकते हो। देखिए सर अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है तो ये मेरे लिए डूब मरने वाली बात है, क्योंकि कोमल का ब्लड मेरी और मेरी टीम ने चेंज किया सर। तुम्हारी टीम ने? बुलाओ तुम्हारी टीम को यहाँ पर। सर लेकिन एक नर्स छोड़कर चली गई है। नर्स ने जॉब छोड़ दिया? क्यों? सर वो तो पता नहीं है लेकिन 2 दिन पहले ही उसने इस्तीफा दिया। आपने पूछा नहीं क्यों जा रही? सर जिस दिन उसने इस्तीफा दिया था उससे 1 दिन पहले एक डॉक्टर ने उसकी कंप्लेंट की थी। हा? क्या क्या कंप्लेंट की थी? सर उसने एक मरीज को रिपोर्ट के साथ साथ टेस्ट ट्यूब में कुछ खून भी वापस किए थे। डॉक्टर ललित वो खून कोमल का ही होगा, समझे? नाम क्या था मरीज का? उस दिन तो काफी सारे लोग आए थे सर, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। ये रहे लिस्ट। नाम से तो कुछ पता चल नहीं रहा सर, ये फोन नंबर ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अच्छा पता करो किसका फोन है।
एक बार फिर से देख लीजिए, शायद कुछ गड़बड़ हो गई हो। पक्का? नहीं, आपने आपने ठीक से चेक किया है ना? ओ ओ ओ ओ ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। हाँ सर, वो जो फोन नंबर हमें हॉस्पिटल से मिला था, वो फोन नंबर तो सिमरन का है। क्या, सिमरन का? हाँ सर, मतलब कोमल का खून हॉस्पिटल के बाहर सिमरन ने ली। मगर अभिजीत, सिमरन का भी तो खून हुआ है इलेक्ट्रिक करंट देकर। सर, हो सकता है खूनी ने सिमरन की मदद ली और काम खत्म हो जाने के बाद उसे भी मार दिया। हो सकता है सर। सर, उस कॉलेज के लड़के गगन के पास से हमें अक्षत की नॉवल ब्लड मिस्ट्री की ये मैन्युस्क्रिप्ट मिली है सर। मैन्युस्क्रिप्ट गगन के पास कैसे, किसने दिया हो? ये तो नहीं मालूम सर, लेकिन गगन बता रहा था कि स्क्रिप्ट देने वाले आदमी से फलों की खुशबू आ रही थी। और सर, विद्युत की लाश के पास से हमें जो च्युइंगम का रैपर मिला था, उसमें से भी तो फलों की खुशबू आ रही थी। और तो सर, स्क्रिप्ट के साथ काफी काट-छाट की गई है सर। काटा पीटी और ये सारे करेक्शंस। ये काट-छाट और करेक्शन, ये तो एडिटर करता है ना सर, किताब छापने से पहले। हाँ, और सर, पब्लिशिंग हाउस का एडिटर तो जयंत है। हाँ, एडिटर जयंत है। जयंत तो कहीं, जयंत ने तो खून नहीं किए। उठाओ इस जयंत को। जयंत आज पूरा दिन ऑफिस आया नहीं सर। रोहित सर भी सुबह से फोन करके तो परेशान है, उनका फोन ही नहीं लग रहा सर। मेरे घर का नौकर भी यही कह रहा था, तो कल रात से घर पे आए नहीं, और यहाँ पे भी नहीं है तो फिर गया था। छुप गया होगा सर, और क्या। छुप के जाएगा कहाँ, एक ना एक दिन उसे बाहर आना ही पड़ेगा। जैन के ऑफिस की तलाशी लेते हैं, शायद कुछ पता चल जाए कि अक्षत को मारना क्यों चाहता था। चाबी का? ये डुप्लीकेट चाबी है सर। चलेगा। ओ, तो ये चक्कर है क्यों सर? जयंत ने लेटर लिखा था रोहित को कि अक्षत का जो कॉन्ट्रैक्ट है अगली किताब लिखने वो कैंसिल कर दो, खत्म कर दो। मतलब जयंत अक्षत का पता साफ करना चाहता था यहाँ से। सर, आप ले ये देखिए, रैपर मिला। रैपर? ये तो वैसे ही रैपर है जैसे हमें विद्युत की लाश के पास से मिला था, बिल्कुल वैसी ही खुशबू। मतलब ये सारे खून जयंत कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कि गगन से जो आदमी मिला था वो भी जयंती था? हेलो, क्या सर? सर, जयंत का कहीं कोई अता पता नहीं चला सर। हम उसके ऑफिस भी गए थे लेकिन वो वहां से भाग गया था सर। कल रात से वो घर से भी गायब है सर। हम लोग पीछा कर रहे, पता चला तो उसके पैरों में पंख लग गए। और कोई सुराग हाथ लगा क्या ऑफिस से? हाँ सर, जयंत के ऑफिस से ये लेटर मिला है जिसमें उसने रोहित को लिखा है कि अक्षत के सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो और आगे उसे कोई कॉन्ट्रैक्ट ना दिया जाए। अच्छा, तो इसीलिए उसने अक्षत को किडनैप किया और वो किडनैपिंग की डीवीडी भेज दी हमारे लिए सर। मुझे नहीं मालूम मैं कहां पर हूं। इन लोगों ने मुझे कैद करके रखा है। ये लोग मुझसे मेरी मौत की कहानी लिखने को कह रहे हैं। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मुझे मरने से बहुत डर लगता है। ये कैसे कैसे पॉसिबल है? अरे, अपनी मौत की कहानी कोई खुद कैसे लिख सकता है? मैं मरना नहीं चाहता। अब तक तो जयंत ने उसे मार दिया होगा सर। अरे, ऐसे कैसे मार देगा? हम क्या हाथ पे हाथ रखकर बैठेंगे? बचा लेंगे उसे। एक काम करो,
इस डीवीडी में अक्षत के पास जो लैपटॉप है, पता लगाओ क्या उस लैपटॉप में वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है क्या? क्योंकि अगर वाईफाई है तो सैटेलाइट से पता लगा सकते कि अक्षत को कहां पे छुपा के रखा है। और एक बात, जब ये खून हो रहे थे तब जयंत पार्टी में ही था, कहीं पर नहीं गया था। मतलब जयंत ने ये खून किसी और से करवाए? बिल्कुल अभिजीत, किसी और से खून करवाए हैं। तो ये कोमल, अक्षत की पत्नी और रोहित, इन तीनों से पता लगाना चाहिए कि उस वक्त पार्टी में हुआ क्या था। जैसे ही मैं पार्टी में पहुंची तो मैंने देखा कि सब लोग मुझे देख रहे थे। क्योंकि मैं आधा घंटा लेट हो गई थी इसलिए मैं सीधा अपने पति को ढूंढ रही थी, पर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। तो मैं सीधा अक्षत के पास गई। मुबारक हो अक्षत। ओ कोमल, कांग्रेचुलेशंस। धन्यवाद भाई, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ आई तो सही। आप लोग बातें ही करते रहेंगे, इसको कुछ खाने भी देंगे? नहीं नहीं कीर्ति, मेरे दांत में बहुत दर्द है, ये खाऊंगी तो बहुत परेशानी हो जाएगी। थोड़ा सा खा। अरे आप लोग कुछ बोलिए ना प्लीज, इसे तुम रहने दो। ओके बाबा, तुम्हारी मर्जी। थैंक यू। ये तुम क्या कर रही हो कोमल? एक तो पार्टी में इतना लेट आई और फिर कुछ ले भी नहीं रही। ये लो, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, इससे तुम्हारी दांतों को कोई परेशानी नहीं होगी। ये लो। नहीं नहीं, मेरे दांत में। कोमल अब तुम मना नहीं कर सकते, भाई जयंत ने कह दिया है तो मना करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यू नो रोहित, कम ऑन कोमल, अब जयंत इतना फोर्स कर रहा है, थोड़ा सा ले लो। अरे आप लोग समझ नहीं रहे, दांत के दर्द में जान निकल जाती है। नहीं नहीं, थोड़ा ज्यादा आप ले लो। अरे जयंत, जयंत चलो मैं तुम्हें वॉशरूम ले चलती। बस कोमल जी, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल चुका है वो च्युइंगम रैपर विद्युत की लाश तक कैसे पहुंचा और किसने पहुंचाया। किसने पहुंचाया सर, कौन है वो? थोड़ी देर में आप लोगों को भी पता चल जाएगा। आधे पता चल गया वाईफाई कनेक्शन का, कहां पे है? वर्ली। ठीक है, पहुंचते हैं हम लोग। यहीं पे है ना अक्षत के वाईफाई के कनेक्शन की जगह? हाँ सर, इस तरफ। पर सर अक्षत का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है? अभी जी, दो जो कमरा दिखता है डीवीडी में उसमें बहुत सारे पुराने बॉक्सेस हैं, पुराने टायर्स वगैरह है, जैसे कि कोई गोडाउन वाली जगह है। सर यहाँ पर बहुत सारे गोडाउन्स हैं। यहाँ पर? तो चलो एक एक जगह देखते, कहीं ना कहीं तो मिलेगा वो। सर गोली की आवाज, आवाज उस तरफ से आई सर। उस तरफ से? चलो देखते। विवेक कहां पर हो तुम? तो गोडाउन नंबर 17 सर, गोली यहीं से चली। 17 नंबर गोडाउन? अच्छा देखो हम लोग आ रहे हैं वहां पर, कुछ भी मत करना अकेले में, समझे? शायद वहां बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है हम लोग आ रहे हैं। Oh!
कुछ नहीं होगा तो भैया, हम लोग आ गए, जल्दी से एम्बुलेंस बुला। बहुत दर्द हो रहा है सर, बहुत। कौन था वो, किसने गोली चलाई बता? पता नहीं सर, सर कौन था, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे गोली मार के भाग गया सर। अक्षत याद करो, अक्षत, अक्षत, अक्षत याद करो। अरे अक्षत सर, भाग गया वो, निकल गया हाथ से, निकल गया हाथ से। अच्छा निकलना तो था ही उसे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ऑफिसर, अगर आप लोग टाइम पे नहीं आते तो शायद मैं जिंदा नहीं मरता। मगर धन्यवाद ऊपर वाले का करो, उसकी वजह से ही गोली तुम्हें सिर्फ छू कर गई है। प्रेस, ये प्रेस वाले यहां क्या कर रहे हैं? ये प्रेस वाले तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? उससे जाके पूछे जिसने मुझ पर गोली चलाई थी। जयंत ने गोली चलाई थी ना? हाँ। तुम पर जयंत ने ही गोली चलाई ना? हाँ। पक्का? नहीं, मैं तो बस इसलिए कि आप लोग कह रहे हैं तो चलो, अब हम ये कहते हैं कि या तो रोहित ने, या फिर तुम्हारी पत्नी ने, या फिर कोमल ने गोली चलाई हो। देखो अक्षय, तुम जितना अपने आप को होशियार समझते हो उतने हो नहीं। तुम कोमल को बेवकूफ बना सकते हो, अपनी कजिन को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन सीआईडी को कभी नहीं, समझे? मैं जरा बाथरूम होके आता हूं। चुपचाप बता, क्यों किया ये सब? मुझे नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया। इसने कुछ नहीं किया, अब तक तो सिर्फ एक ही गोली चली है, समझा? सच सच बताओ, नहीं तो डाल दूंगा कूदिया सारी की सारी, समझे? बताओ। हाँ, मैंने ही मारा सिमरन को, विद्युत और अमरीक को। क्यों मरवाया तुमने उन्हें? जयंत को सबक सिखाने के लिए। वो कमीना मुझे प्रेस में से निकालना चाहता था, सिमरन को चांस देने के लिए। कोमल भी इस काम में उसकी मदद कर रही थी। मैं सच बोल रहा हूं सर, ये सब लोग मिलके मेरा करियर चौपट कर देना चाहते थे, बर्बाद कर देना चाहते थे ये लोग।
मगर सिमरन क्यों मदद करने लगी तुम्हें? हैं? वो तो जानती थी ना कि तुम उसका फायदा उठा रहे हो। बहुत बड़ी बेकूफ थी वो। उसे मैंने थोड़े से पैसे का लालच दिया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें बहुत बड़े पब्लिशर से मिलवाऊंगा। एकदम तैयार हो गई वो। जयंत कहाँ है? उसे मैंने बंद करके रखा है अपने फार्म हाउस में, पनवेल में। मैंने सोचा कि अगर मेरे प्लान के हिसाब से सब कुछ पूरा हो जाएगा, मैं उसे भी मार दूंगा मैं। लेकिन अफसोस, तुम्हारा प्लान फेल हो गया। एक छोटे से टिश्यू ने तुम्हें सलाखों के पीछे तक लाके छोड़ दिया। नाम तो खूब कमाया तुमने, लेकिन एक राइटर बनकर नहीं, एक खूनी बनकर। खूनी, तीन तीन खून करवाए तुमने। अब जेल में बैठकर कहानियां पर कहानियां बनाते रहना, फांसी का ऑर्डर आने तक। हेलो एसीपी प्रद्युमन, यहाँ पुणे स्पेशल यूनिट से बोल रहा हूँ। पुणे स्पेशल यूनिट से? सर आपके लिए एक अर्जेंट खबर है सर। अर्जेंट खबर कैसी? सर हम लोगों के पास एक बॉम्ब डिटेक्शन इक्विपमेंट आया है। हाँ? जो जमीन के अंदर काफी गहराई तक बम के बारे में बता देता है। अच्छा, तो? सर हम जब उसका टेस्ट कर रहे थे तो उसमें कई जगहों पर बम बताया गया है सर। क्या? तुम्हारे कहने का मतलब है कि पुणे शहर में कई जगहों पर बम रखे गए? हमें आपकी और आपकी टीम की बहुत जरूरत है सर। सर आप प्लीज आ जाइए। अब जल्दी से जल्दी आते हैं, चिंता मत कीजिए। ओके, थैंक यू सर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.